ऐसा अनाप शनाप नहीं बकना बोल के क्यों नहीं बोल रहे लोग? क्या तो भी बोले तो फिर हिंदू 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 के लिए बात करते, सिर्फ बीजेपी हिंदू हिंदू के हिंदू के बारे में बोले तो बीजेपी वाले उठते, बीजेपी वाले उठते। क्यों हिंदू का ठेका पूरा क्या बीजेपी ने लेके रखा है? क्या दूसरी पार्टी वाले हिंदू नहीं है क्या? वो लोग क्यों नहीं आते, क्यों नहीं बोलते? यही तो मौके का फ़ायदा उठा रहे दूसरे लोग। ये लोगों के एकता नहीं है, हिंदू में एकता नहीं है, एकता संगठन नहीं है। संगठन अगर रहता तो कोई दूसरा भाई अपने हिंदू मज़हब के बारे में अनाप शनाप नहीं बकते थे। आज दुकाना हम भी बंद कराए शांतिपूर्वक। आज का ये प्रोग्राम था, हम शांतिपूर्वक सबसे जाके रिक्वेस्ट करके दुकान बंद करो भाई साहब, एक 5 बजे के बाद आप दुकान खोल सकते हैं। आज एक दिन के लिए हमारे भाई को जो पकड़ के ले गए उसके लिए, राजा भाई के लिए आज एक दिन के लिए आप दुकान बंद करो बोल के हम रिक्वेस्टली उन लोगों से बोल रहे थे। ये मंगलाट के सर्कल जी आए, मैं एक दो मंगलाट में मेरे को एक कंप्लेंट बोले वो भाई साहब, देखो अम्मा ये मट्टी के कुप्पे 4 दिन से लगे हुए, जो गणेश बना है उसका वेस्टेज जो निकला वो रखा हुआ है, वो आप क्लीन कराओ बोल के बोले मेरे को। तो मैं बोली भैया एक 2 दिन में हो जाता आपका काम बोल के बोले। ये मंगलाट के सर्कल आए, आके मेरे गाड़ी की चाबी खींच लिए, चाबी खींच ले के मेरे को बोल रहे कि आपके ऊपर मैं केस बुक कर दूँ। केस बुक हुए जैसा मैं कुछ बोलीच नहीं, तो केस क्यों बुक होता भाई? ये शांतिपूर्वक ही ये आज का प्रोग्राम था हमारा, हम शांतिपूर्वक ही ये प्रोग्राम कर रहे थे। छह लोगों को अरेस्ट करे अभी तक नहीं छोड़े, मंगलाट पुलिस स्टेशन में अभी तक फिलहाल 6 लोगों को अरेस्ट करे, मेरे ऊपर भी केस बुक करते बोल के बोले। मैं सर्कल साहब को तो कुछ बोली नहीं, आज का प्रोग्राम तो बहुत शांतिपूर्वक था, ये शांतिपूर्वक प्रोग्राम भी हमारे को नहीं करने दे रहे, क्यों नहीं? भाई लाल सिंह सनातन धर्मी सूर्यवंशी हिंदू, आपको इतिहास याद दिलाना चाहता हूँ। देश की आज़ादी से पहले ये रजाकार का एक मोमेंट था, ये रजाकार के मोमेंट में हिंदुओं को कितना अन्याय किया गया, हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार किया, ये देश को मालूम है। पुलिस एक्शन से पहले रजाकार एक कासिम रजवी की सेना थी, वो सेना हिंदुओं के ऊपर जुल्म करती थी। आज वही परिस्थिति फिर से हैदराबाद में पैदा करने की ये MIM कोशिश कर रही, इसका मुंह तोड़ जवाब धुलपेट के लोग हैं। वो टाइम पे धुलपेट की हर जाति के लोग जो इसका समर्थन करते हुए कासिम रजवी की सेना को मुंह तोड़ जवाब देके यहाँ से वापस भेजे थे। आर्य समाज इसका प्रत्येक है, आर्य समाज और हिंदू संस्थाएँ जितने भी यादव समाज है, धुलपेट में लोधी समाज है, गंगापुर संगम है, ठाकुर समाज, राजपूत समाज, ऐसे कई समाज मिलकर कासिम रजवी की सेना का मुंह तोड़ जवाब देके, ये वही MIM पार्टी है जो कासिम रजवी पाकिस्तान को चला गया था, वो जाते आते असद के बाप को ये उसका बाप का नाम क्या सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी को देखे गए, तो ये वही MIM पार्टी, ये वही परिस्थिति लाना चाह रही, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कासिम रजवी की जो पार्टी है MIM वो कंटिन्यू चले आ रही है, हिंदुओं के विरोधी पार्टी है, यहाँ पर सबको फंडामेंटल राइट है, हर एक कुछ का अधिकार है, किसी को भी किसी के धर्म के खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं है। फिर ये जो MIM के नेता है जो हिंदुओं के बारे में बोल रहे हैं, जो मनोहर फारूकी है जो हिंदी देवी देवताओं के बारे में बोल रहा है, कौन दिया इसको अधिकार, कौन दिया इसकी शह में उन्होंने बोल रहा है? यहाँ पर TRS गवर्नमेंट की शह में MIM के MLS मनोहर फारूकी जैसे लोग बार बार हिंदुओं को एक बिल्कुल ठेस पहुँचाते, इसका हम विरोध करते हुए और हम आज राजा सिंह को जो PDF लगाए उसके हम सलाम युवा सेना की ओर से इनका समर्थन करते हुए हम यहाँ पर उपस्थित शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हैं, इसका हम विरोध करते हैं, PDF का विरोध करते हैं। राजा सिंह को PDF निकाल के करना, धन्यवाद।